हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एस्मा ब्लॉग। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्पेशल छोले भटूरे, जो कि यहाँ पर पापड़ है उसके साथ। और यहीं पर मेरे पास नींबू है खट्टा खट्टा, और स्पेशल आज का मोज़रेला चीज़ स्लेट पेंसिल्स लवर्स। एंड यहाँ पर है मेरे पास गर्मा गर्म छोले, बहुत ही स्पाइसी है। और आप सबके लिए यहाँ पर कॉर्नेडो आइसक्रीम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैलेंज है छोले भटूरे, तो 3 यहाँ पर भटूरे मैं यहाँ पर अपने सिस्टर को दूँगी और 3 मेरे पास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैलेंज। बहुत ही टेस्टी लग रहा है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही स्पाइसी। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही डिलीशियस है, यम्मी यार, ऑसम टेस्ट, मज़ा ही आ गया आज का स्पेशल छोले भटूरे खा करके। वाह यार, क्या छोले हैं, बहुत ही लाजवाब है, इतना ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही ऑसम टेस्ट है इसका, मज़ा ही आ गया आज तो, बहुत ही सुपर्ब है, ऑसम, बहुत ही अच्छा है। तो मेरा तो छोले भटूरा मेरा फेवरेट है। तो मुझे से जोरों की भूख लगी है यार, क्या छोले हैं आज तो, मज़ा ही आ गया यार सच में। छोले भटूरे सच में लाजवाब है, सच में बहुत ही ऑसम, बहुत ही ऑसम, बहुत ही स्पाइसी है। तो मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ डालूँगी, तो मोज़रेला चीज़ के नीचे यहाँ पर मैंने घी यहाँ पे यूज़ किया है। मोज़रेला चीज़ और छोले कॉम्बिनेशन, सच में आज तो मज़ा ही आ गया। तो चले फर्स्ट बाइट करते हैं छोले मोज़रेला चीज़ की। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ही। यहाँ पर तेज पत्ता, मुझे तो इस तरह से मज़ा आया था तेज पत्ता खाने में। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से, क्या छोले यार, उसके साथ मोज़रेला चीज़, बहुत ही मज़ा ही आ गया सच में। बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही लाजवाब है सच में, बहुत ही लाजवाब, क्रीमी टेस्ट है इसका एकदम, मज़ा ही आ गया आज तो। तो मेरे यहाँ पर एक भटूरे मैंने यहाँ पर ख़त्म करने हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पर मेरे सिस्टर्स के बच्चे, तो लेट्स सी कौन जीतता है यहाँ पर चैलेंज। ओ बहुत ही अच्छा है, ऑसम टेस्ट, ऑसम, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, बारिश में छोले भटूरे, वाह भाई क्या बात है, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ पापड़ यार, ये कुरकुरे सी पापड़ क्रंची, मुझे तो बहुत ही पसंद है छोले के साथ पापड़। तो सो कॉम्बिनेशन ही बेस्ट बेस्ट है कॉम्बिनेशन इसका, ऑसम टेस्ट है सच में। ये
ये पापड़ तो मेरा दिल जीत लिया यार, सच में क्या क्रंची पापड़ है। यहाँ पे मैंने लिचड़ पापड़ लिया है, सच में बहुत ही सुपर क्रंची है, जो कि यहाँ पे तेल में फ्राई किया है पापड़ को। और ये जो छोले पूरा घी में बना है बटर में, इसका तो बात ही अलग ही है, बहुत ही लाजवाब है। अरे भटूरे तो एक नंबर है, सच में यार क्या भटूरे हैं, मज़ा ही आ गया। छोले भटूरे, हाय क्या टेस्टी है, क्या टेस्ट है यार, सच में बहुत ही मज़ा आ गया सच में आज तो। पापड़ तो हाय क्या पापड़ है, इतना क्रंची सुपर, बहुत ही टेस्टी है। मोज़रेला चीज़ छोले भटूरे पापड़ है, सच में मज़ा आ गया आज तो। तो चलिए देखते हैं कौन ये चैलेंज जीतता है, कौन हारता है। तो लास्ट टाइम तो मेरी सिस्टर हार गई थी, मैं जीत गई थी, तो इस बार देखते हैं कौन जीतता है। मज़ा आ गया। नींबू खट्टा खट्टा नींबू मस्त है, सुपर। तो मेरे यहाँ पर एक और हाफ भटूरे बचे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत अच्छा है सच में। ये मोज़रेला चीज़ के वजह से ना इसका जो टेस्ट है ना छोले का, मतलब डबल से ट्रिपल हो गया है, क्या छोले भटूरे और पापड़, बहुत ही क्रंची है पापड़। जब भी मैं क्रंच कर रहा है तो उसका आधा तो गिर जा रहा नीचे, इतना ज़्यादा क्रंची है, सुपर सच में बहुत ही अच्छा है। अरे भटूरे तो भाई क्या भटूरे, गर्मा गर्म छोले भटूरे मोज़रेला चीज़ मस्त यार, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। मज़ा ही आ गया आज तो सच में, ये चैलेंज तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, पापड़ हाय पापड़ इतना ज़्यादा क्रंची है, बहुत ही सुपर है। मज़ा ही आ गया। फिर मेरे पास हाफ से कम है छोले, और भटूरे भी मेरे आधे ख़त्म हो गए हैं, तो देखते कौन विनर होता है इसका। ये कड़ी लिप्स तो तेज पत्ता मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से, हाय मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर लगा, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही ऑसम है, बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया सच में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, तो स्किप मत करना, देखना। अरे क्या छोले भटूरे बहुत ही ऑसम टेस्ट है, नींबू सुपर, बहुत ही अच्छा है, पापड़। तो मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे छोले के और भटूरे दोनों ही ख़त्म होने आए एक साइड से, तो
तो देखते हैं कौन विनर होता है। बहुत ही ऑसम टेस्ट है इसका। पापड़ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कुरकुरी है, सुपर क्रंची है। हाय नींबू बहुत अच्छा टेस्ट है। भटूरा तो मैं यहाँ पर एक और बिग बाइट लूँगी, तो मैंने सारे के सारे बहुत ही बड़े बड़े बाइट लिए छोले भटूरे के साथ। क्या छोले यार, सच में इतना बड़ा बाइट, बहुत ही ऑसम है यार, सच में ऑसम टेस्ट है सच में। तो वीडियो को फुल वॉच करो दोस्तों एंड तक, मज़ा आ गया सच में, बहुत ही मज़ा आ गया। सुपर सुपर। बहुत ही मज़ा आ रहा है आज तो सच में, क्या छोले भटूरे बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरे यहाँ पर लास्ट भटूरा बचा है, और यहाँ पर मेरे सिस्टर के एक और छोटा सा और है, तो विनर तो मैं हूँ, और यहाँ पर मेरी सिस्टर हार गई है। क्या छोले भटूरे हैं। तो इस तरह से खाने के बाद उंगलियाँ चाटना तो बनता है यार, सच में बहुत ही टेस्टी है जो छोले भटूरे। तो मुझे तो इस तरह का छोला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जब भी मैं छोला खाती हूँ इस तरह से ही खाती हूँ। खाना इतना टेस्टी है यार, उंगलियाँ चाटने मन करता है, बहुत ही अच्छा है छोला, तो मेरा फेवरेट यार सच में, ऑसम टेस्ट है यार सच में। मज़ा ही आ गया, सुपर। तो आज यहाँ पर स्पेशल है कॉर्नेडो आइसक्रीम, तो चलो कुछ मीठा हो जाए खाने के बाद, तो चलिए आइसक्रीम खाते हैं। बारिश में और ठंडे में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही यार अलग है सच में यार दोस्तों, मुझे तो बहुत पसंद है। बटर स्कॉच वनीला चॉकलेट आइसक्रीम कॉर्नेडो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास बटर स्कॉच है कॉर्नेडो, वाह यार क्या मज़ा ही आ गया आज तो। छोले भटूरे चीज़ विद, फिर उसके ऊपर नींबू, और अभी कॉर्नेडो आइसक्रीम, मज़ा ही आ गया यार। तो चलो इसको खाते हैं दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो चलो चीयर्स करते हैं पहले, चीयर्स। हाय, मज़ा ही आ गया खाने के बाद तो आइसक्रीम यार, सच में दिल जीत लिया। तो वीडियो को अभी एंड तक वॉच करना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है स्पेशल यार दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ बाकी है स्पेशल, अभी इतने में बस नहीं हुआ हमारा, अभी हम बहुत कुछ खाने वाले हैं, क्रंच करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल देखना, मज़ा आ गया सच में। ठंडी ठंडी आइसक्रीम कॉर्नेडो चॉकलेट बटर स्कॉच है ऑसम, बहुत ही अच्छा है सच में।
तो दोस्तों मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया। एंड मुझे जो मैं भी जब भी कॉर्नेडो खाती थी, मुझे तो कॉर्नेडो के नीचे का जो मेन नीचे का जो चॉकलेट होता है डार्क चॉकलेट, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये चॉकलेट वगैरह मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर बोल रही है तू जीत गई, मैं हार गई। तू जीत गई है मतलब मैं हार गई हूँ, तो जीत गई है। तो यहाँ पर मैं जीत गई हूँ, वो हार गई है, उसका उसने गिव अप कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा लास्ट बचा है नीचे का यहाँ पर चॉकलेट, जो कि यहाँ पर चॉकलेट होता है फुल डार्क चॉकलेट, मज़ा आ जाता है खा करके। वो टेंशन है, मैंने इतने कैसे खा लिया उसको मीठा यार, सच में बहुत मज़ा आ गया अभी यार। सच में तो मैं विनर हो गई यहाँ पर, वो लूजर हो गई है। तो यहाँ पर हम स्लेट पेंसिल्स कंच करने वाले हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास है फुल 1 kg स्लेट पेंसिल्स, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, सुपर क्रंची। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको क्रंच करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक पूरा का पूरा बंच लूँगी पहले, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार। आज तो बहुत कुछ स्पेशल है और था, तो वीडियो को स्किप मत करना देखना। अरे यार क्या स्लेट पेंसिल्स इतना ज़्यादा थिक है, क्या टेस्ट है, बहुत ही क्रीमी है, मस्त, एक नंबर, मज़ा आ गया सच में। तो यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 स्लेट पेंसिल से बहुत ही ज़्यादा वाइट है और थिक है। तो देख सकते कितना ज़्यादा है, मैं बहुत एक्साइटेड एक साइड क्रंच करने के इसको यार, सच में तो मैं पूरा क्रंच करूँगी। मेरे दांत सुपर क्रंची है और बहुत ही ज़्यादा अर्थली है, माउथ वाटरिंग है बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है, बहुत ही अर्थली टेस्ट है इसका, क्रीमी टेस्ट है, मज़ा आ गया क्रंच करके सच में, ला दो आप सुपर। तो इस तरह की स्लेट पेंसिल्स क्रंच करना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है। यहाँ पर संदीप और बाबा ब्रांड की स्लेट पेंसिल्स है, मेरे दांत, मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है, बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्ट है और इसलिए बहुत ही क्रीमी है, दांत में चिपक रहा, गमी भी है, बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है, सुपर। तो मेरे अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फुल वॉच करना। क्या मज़ा आ गया यार, हर एक वैरायटी को क्रंच करके खा करके मज़ा ही आ गया। अरे क्या स्लेट पेंसिल से इतना ज़्यादा वाइट और इतना क्रंची है, बारिश में स्लेट पेंसिल्स और मिट्टी की खुशबू मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है, माउथ वाटरिंग मुँह से पानी आ जाता है यार सच में। हाँ स्लेट पेंसिल्स है ये जो बाबा ब्रांड की स्लेट पेंसिल्स है, काफ़ी ओल्ड, जब मैं छोटी थी तभी की ये स्लेट पेंसिल ब्रांड है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसकी जो क्वांटिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, यहाँ से मैं थिक स्लेट बार जो यहाँ पर ढूंढ कर के निकाल रही क्रंच करने के लिए, कितना ज़्यादा थिक है। तो मैंने यहाँ पर एक साथ क्रंच किया इसको, बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग, क्या क्रंच है यार, इसका क्रंचीनेस तो बहुत ही ज़्यादा है यार, तो ऑसम टेस्ट है सच में, मज़ा ही आ गया आज तो। क्या टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अर्थली है, बहुत ही ज़्यादा अर्थली क्रीमी टेस्ट है इसका, जो अर्थलीनेस है बहुत ही ज़्यादा है, मज़ा आ गया। यहाँ पे मैं स्लेट पेंसिल्स मैंने बहुत सारे अभी तक क्रंच कर लिए, मैं अभी और क्रंच करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच करो दोस्तों। क्या स्लेट पेंसिल्स से मज़ा ही आ गया आज तो, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, जो माउथ वाटरिंग जो वीडियोस होती है स्लेट पेंसिल क्रंच करने की,
मुझे उसे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है देखना और उसको क्रंच करना। मुझे तो स्लेट पेन से स्लेट पे ही क्रंच करने का मन होता है, ना ज़्यादा क्रंची यहाँ पर स्लेट पेन से उसे मेरे पास कितने ज़्यादा क्या टेस्ट है सच में। सुबह यार क्रीमी टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए माउथ वाटरिंग ऑसम, मज़ा आ गया। मैं यहाँ पर एक और बंस लूँगी क्रंच करने के लिए दोस्तों। कितना ज़्यादा थीक है वाइट स्लेट बार, मुझे तो थीक स्लेट बार तो मुझे बहुत पसंद है क्रंच करना। जो थीक स्लेट होती है उसका ही मसा अलग ही होता है। क्या क्रंची है, बहुत ही सुपर क्रंची है, बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको मैंने देखे एक ही बार में क्रंच कर लिया सारे के सारे स्लेट पेंसिल्स, मेरे मुंह पूरा भर गए स्लेट पेंसिल से। बहुत ही मज़ा ही आ गया सच में दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है, बहुत ही ज़्यादा अर्थली है, मज़ा आ गया। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ना दोस्तों, मज़ा आ गया क्रंच करके सारे की सारी स्लेट पेंसिल्स। तो आज का स्पेशल मज़ा ही आ गया क्रंच करके, और छोले भटूरे तो सुपर थे, ऑसम थे। तो आज का कोटा पूरा हो गया देंस, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।